नेपाल की एक राजनीतिक प्रतिनिधि मंडल ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से महेंद्र भट्ट और भाजपा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। भाजपा प्रदेश कार्यालय में तकरीबन 2 घंटे तक बैठकों का सिलसिला चलता रहा, जिसमें दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों के साथ भाजपा संगठन के बारे में चर्चा की गई है। नेपाल से आए राजनीतिक प्रतिनिधि मंडल ने दोनों देशों के आपसी संबंधों के साथ उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में बन रहे मानसखंड मंदिर माला योजना के बारे में भी चर्चा की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि भाजपा को जानू संवाद यात्रा के तहत नेपाल का प्रतिनिधि मंडल देहरादून आया है। पिछले 2 दिनों से लगातार प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात कर रहा है। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी मुलाकात की है। उनका कहना है कि नेपाल और भारत के रोटी और बेटी का रिश्ता है, ऐसे में भाजपा राजनीतिक संबंधों को भी मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है। नेपाल के प्रतिनिधि मंडल के लीडर पंपा भूसाल का कहना है कि भारत और नेपाल के संबंध बेहतर रहे हैं, दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों को लेकर चर्चा हुई है। प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड आने पर मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। भाजपा जानो इस भाव के साथ उत्तराखंड में आज यहां पहुंचे, उनमें पंपा भूसाल जी है, आप CPN कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल की पूर्व में आप विधायक भी रही हैं, सांसद भी रही हैं, उनकी पदाधिकारी हैं। इनके साथ रामेश्वर राम यादव जी आए थे, पूर्व में कानून मंत्री नेपाल सरकार में, वर्तमान में सांसद हैं। चक्रपाणी खैनाल बलदेव जी, ये पूर्व में नेपाल के प्रधानमंत्री जी के राजनीतिक सलाहकार रहे, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं और इसमें सेक्रेटरी हैं CPN के। सत्या पाड़ी जी जिला सदस्य हैं CPN की, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य हैं। सुरेश कुमार राम जी सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं। ऐसे 5 लोगों का आना हुआ और इनके साथ हमारे विदेशी मामलों को जो देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विदेश जो हमारा विभाग है उसके डॉक्टर विजय जी यहाँ बीच में, और नकुल भारद्वाज जी का भी यहाँ आना हुआ। कल से आपका आगमन हुआ, ऋषिकेश के अंदर माँ गंगा की आरती का था, उसके बाद हमारे कुछ प्रमुख कार्यकर्ता साहब की भेंट हुई। आज प्रातःकाल माननीय मुख्यमंत्री के साथ आपकी मीटिंग हुई और एक प्रकार से उत्तराखंड और नेपाल का जुड़ा हुआ बॉर्डर है, हम नेपाल बॉर्डर पर क्या क्या कार्यक्रम रूप में ले रहे हैं उसकी जानकारी दी। कुछ सुझाव प्रतिनिधिमंडल की ओर से भी आए और अभी भारतीय जनता पार्टी के संगठन स्वरूप को संगठन ढांचे के संदर्भ में आप हमारे मध्य में थे, हमने भी नेपाल के आपके दल के संगठन भाव को समझा और अपने बारे में बताया। अब मैं इस अवसर पर जिनके नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल आया है, बहन पंपा भूसाल जी से निवेदन करूंगा कि अपने अनुभव हम सब आप सबके सामने साझा करें। हम भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी के आमंत्रण में भारत आया। इस विजिट का मुख्य अर्थ था 2 पार्टी के बीच के संबंध सुदृढ़ करना, 2 देश के जनता के जो हमारा ऐतिहासिक भौगोलिक सांस्कृतिक सभी चीज़ से हम जुड़े और एक अच्छे छिमे की राष्ट्र है, उस संबंध वाला और सुदृढ़ करने के लिए, 2 राष्ट्र के बीच के संबंध भी सुदृढ़ करने के लिए ये भ्रमण बहुत फलदायी हुआ। 9 BJP कार्यक्रम अंतर्गत ये था। लास्ट ईयर हमारे पार्टी के अध्यक्ष नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचंड, वो लास्ट ईयर आया था BJP के आमंत्रण में, ये दूसरे बार हम आ रहे हैं। लास्ट मंथ प्राइम मिनिस्टर के रूप में प्रधानमंत्री प्रचंड का भारत दौरा हुआ था और 2 प्रधानमंत्री के बीच में अच्छे संवाद और सहमति समझौता हुआ था। हमें विश्वास है वो तीव्रता से कार्यान्वयन होगा और इस विजिट से हम वो उसको पुनर्ताजगी भी होगा और भारत एक असल हमारे छिमेकी तो हो ही है, साथ साथ वो इतने इस युग इस शताब्दी के सबसे तीव्र गति से आर्थिक विकास कर रहा है। अभी किसी समय भारत में 300 साल तक उपनिवेश करने वाला ब्रिटिश उसको पीछे छोड़कर
भारत पांचवा आर्थिक शक्ति राष्ट्र हो रहा है और हमका अनुभूति है वो और आगे बढ़ेगा। हमारा छिमेकी भारत आगे बढ़ने का मतलब है उससे नेपाल भी लाभान्वित हो जाएगा। हमारा लंबे समय से इतिहास से भौगोलिक स्वामीप्यता के अलावा भावनात्मक सांस्कृतिक आर्थिक और एक देश एक दूसरे देश के राजनीतिक मुक्ति आंदोलन के साथ समर्थन भी रहा। इसीलिए ये विजिट के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष लगायत का को मैं धन्यवाद देती हूँ और भारतीय जनता पार्टी के आयोजन में वो इस उत्तराखंड के उत्तरा के विजिट भी हमने किया कल से आज तक और कुछ कार्यक्रम बाकी भी है। इससे हम सीमा तो है ही लेकिन भावना से भी और नज़दीक और संबंध सुदृढ़ करने का एक अवसर है। हमने भारतीय जनता पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और जनता का सेवा करने का उनका जो कदम है बहुत अच्छे तरह से हम प्रभावित हुए हैं। ऐसे तो राजनीतिक पार्टी किसी भी देश के हर राजनीतिक पार्टी के उद्देश्य अपने अपने जनता के सेवा करना और अपने राष्ट्र को सेवा करना। ये भारत भूमि में अभी भारतीय जनता पार्टी उसका केंद्र और विविध या इस प्रदेश से राज्य में जो सत्ता सरकार संचालन कर रहा है उसका सफल नेतृत्व से हम बहुत कुछ अनुभव और अनुभूति हासिल कर यहाँ से जा रहा है। मैं इतना ही रखना चाहती हूँ। सभी को मैं धन्यवाद।